हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। जी हाँ, मरीन ड्राइव पर आज हम मौजूद हैं और यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ एक घंटे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन ही हम यहाँ से नहीं दिखाएंगे बल्कि आगे भी हम खबरें बताएंगे। यहीं से होगा फ्रेश एंड फास्ट भी, यानी कि फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और साथ में फ्रेश एंड फास्ट, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये तमाम बड़ी खबरें। सुबह सुबह श्वेता फिर से आग की खबर बतानी पड़ रही है क्योंकि प्रयागराज के चौक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। जी हाँ, आग इतनी भयानक थी कि एक साथ बताया जा रहा है कई दुकान इसकी चपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद वहां का मंजर कैसा था इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए। भीषण आग की यह तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है जहाँ चौक इलाके में स्थित मार्केट में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। भीड़ से भरे इस मार्केट में जब लोग खरीदारी कर रहे थे तभी एक दुकान में आग लग गई। आग लगते ही पूरी दुकान भयंकर आग की लपटों से जल उठी। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कई दुकानें एक साथ आग की लपटें उगलने लगी। इस भयावह आग को देखकर मार्केट में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुकानों में किस कदर भीषण आग लगी थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची जिसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। आग इस कदर दुकानों में फैल चुकी थी कि फायर ब्रिगेड कर्मियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक मार्केट की कई दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। दुकानदारों को इस आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं मार्केट में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है जिसकी वजह से ये भयानक आग लगी। और श्वेता देखिए, आप सोचो यहाँ पर आप बीच सड़क पर चल रही हो और अचानक से ऐसे कोबरा एकदम कुंडली मारकर बैठ जाए, आप भी डर जाएंगे। बिल्कुल डरूंगी, कोबरा है भाई, कोबरा ऐसा वैसा सांप नहीं होता है। और मरीन ड्राइव पर तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि अचानक से कोबरा आ जाए। लेकिन ये कोबरा की बात क्यों नहीं थी, क्योंकि चेन्नई की सड़कों पर भी उस शख्स ने इमेजिन नहीं किया होगा जिसकी स्कूटी पर के पास आकर के एक कोबरा सांप बैठ गया। 7 फीट का कोबरा सांप बताया जा रहा है जिसे स्कूटी से बाहर निकाला गया कड़ी मशक्कत के बाद। लेकिन उस वक्त वहां पर मंजर कैसा था, लोग दहशत में थे, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। चेन्नई के एक इलाके में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक स्कूटी के अंदर 7 फीट लंबा कोबरा सांप कुंडली मारकर बैठा दिखा। स्कूटी में कोबरा सांप इस तरह लिपटकर बैठा था मानो वो स्कूटी से निकलना नहीं चाहता हो। मौके पर मौजूद लोगों ने जब ये देखा तो वो दहशत में आ गए। कोबरा सांप को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने भी जब कोबरा सांप को स्कूटी के अंदर लिपटकर बैठा देखा तो वो भी दंग रह गए। पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोबरा सांप को छोड़ा जाए। काफी देर के बाद जब टीम के पास सांप पकड़ने का औजार मुहैया हुआ तो हिम्मत कर कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। सांप पकड़ने वाले औजार से कोबरा को स्कूटी से बाहर निकालने की कोशिश हुई लेकिन कोबरा सांप ने स्कूटी में ऐसी कुंडली मार कर रखी थी कि उसे बाहर निकालने में टीम के पसीने निकल गए। काफी मेहनत के बाद जब कोबरा को स्कूटी से अलग किया गया तो उसे देख लोगों के भी होश उड़ गए क्योंकि कोबरा सांप करीब 7 फीट लंबा था। इसके बाद कोबरा सांप को किसी तरह एक बोरी में कैद किया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दीपिका, दबंग मूवी आपने तो देखी होगी? नहीं, सलमान की आप फैन है और दबंग आपने देखी नहीं है? झूठ, मतलब सफेद झूठ तो मत बोलिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन कहते ना सलमान ने जो रोल, डरने लगता प्यार से, दबंग मूवी के दबंग बने थे लेकिन वो अच्छे काम करते थे। लेकिन दबंगों की अगर बात करें तो ऐसे कई किस्से इनके सामने आते हैं जब ये अधिकारियों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं। यूपी के फतेहपुर से दरअसल एक मामला सामने आया है जहां बिजली विभाग के कर्मचारी जब बिजली चोरी रोकने के लिए पहुंचे तो दबंगों ने जेई को और अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और देखिए, इन दबंगों का वीडियो तो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन दबंगों की तलाश कर रही है लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। यूपी के फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में दबंगों ने बिजली चोरी की चेकिंग के लिए आए जेई और एसएसओ की पिटाई कर दी। वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग बिजली विभाग के जेई और एसएसओ को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं।
दरअसल बिजली विभाग के जेई और एसएसओ बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान पर पहुंचे थे, जहां दबंग मोबिन खान चोरी की बिजली इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया। इससे बौखलाई दबंग मोबिन खान ने अपने साथियों के साथ जेई और एसएसओ पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगा। फिलहाल जेई ने दबंग आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। मोहम्मद मोबिन खान द्वारा अवैध कनेक्शन कटिया डालकर बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा था, टीम द्वारा इनका कनेक्शन काटा गया। इसी बात से उत्तेजित होकर इनके साथ व इनकी टीम के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजली कर्मियों पर हमले का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी मोबिन खान फरार है। वहीं पुलिस आरोपी मोबिन खान और उसके साथियों की तलाश में जुटी है। एक हैरान करने वाली खबर गाजियाबाद से सामने आई है। दरअसल गाजियाबाद का हिंडन जहां पर जबरदस्त तरीके से जो लड़ाकू विमान है उनकी तैनाती होती है, एयरफोर्स का ठिकाना होता है, वहां पर सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी सीध देखने को मिली है। दरअसल उसी के पास एक सुरंग देखा गया। हिंडन एयरबेस पर बताया जा रहा है कि 4 फीट का गड्ढा जो है वो खोदा गया और ये सुरंग बनाई जा रही थी। अब बात ये सामने आ रही है दीपिका कि ये सुरंग जो है किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए शायद बनाई जा रही हो, इसीलिए पूरी तफ्तीश जो है की जा रही थी। कौन लोग इन्वॉल्व है और कौन ये गड्ढा खोद रहा था, अभी फिलहाल जांच जारी है। रिपोर्टिंग हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध, बाउंड्री के नीचे खोदी गई सुरंग, किसने खोदा 4 फीट का गड्ढा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाने की साजिश का खुलासा हुआ है। हिंडन एयरबेस के इस बाउंड्री वॉल के नीचे 4 फीट की सुरंग जब मिली तो अधिकारियों के होश उड़ गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। आप देखें, ये एयरबेस के वॉल है जहां पर एक काफी बड़ी वॉल है और वहां पे वॉच टावर नजर आ रहा है आपको। यहां से लगातार इस जगह की निगरानी की जाती है और इस वॉल के बगल में एक नाला है, उसके बाद कच्ची कॉलोनी है और इस कच्ची कॉलोनी से सटी हुई ये वॉल है जहां पे गड्ढा किया गया। मैं अपने कैमरामैन बिलाल से कहूं कि सीधा नीचे आके दिखाएं किस तरीके से यहां पर सेंधमारी करने की कोशिश की गई है, किस तरीके से हरकत की गई है। यहां पे वायर थी, इस वायर को काटा गया है और यहां पर करीब 4 फुट गहरा गड्ढा किया गया था। फिलहाल जांच अधिकारी मौके पर आए, उन्होंने इस गड्ढे को भर दिया है मिट्टी से, लेकिन जो तार जो है, जो तार आपको ये लोहे की कटीली तार नजर आ रही है, इसको यहाँ पर काट कर यहाँ पर सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे पिछले दिनों कुछ लोग आ रहे थे जो देर रात यहाँ पे आके गड्ढा करने की कोशिश कर रहे थे। हिंडन एयरफोर्स जहाँ लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं, जो एयरफोर्स का रणनीतिक ठिकाना है, वहाँ 4 फीट का सुरंग के लिए गड्ढा मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सवाल ये है कि कहीं इसके जरिए एयरबेस में घुसने की साजिश तो नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर साजिश से पर्दा उठाने में जुटी है। ये लगभग 4 फीट का गड्ढा बाउंड्री के पास हुआ है। उक्त के संबंध में एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर FIR थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर FIR के क्रम में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो CCTV फुटेज इत्यादि उपलब्ध हुए हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिंडन एयरफोर्स की बाउंड्री वॉल पर थर्मल कैमरे भी लगाए गए हैं। अब इन कैमरों से भी ये पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। हिंडन एयरफोर्स के पास सुरंग के लिए ये गड्ढा मिलना सेना और अधिकारियों के लिए चिंता की बात है, जिसकी जाँच UP पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियाँ भी कर रही है। और अब बात करेंगे दीपिका किसानों के विरोध प्रदर्शन की। दरअसल जब भी किसानों के विरोध प्रदर्शन की बात होती है तो किसान आंदोलन की याद ताजा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर जो है किसान पहुंचे वहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इतनी संख्या में थे कि पुलिस को वहाँ पर बैरिकेडिंग करनी पड़ी। जी हाँ, और इतनी भारी संख्या किसानों की देख करके जो अधिकारी थे उनके भी पसीने छूट गए और किसानों ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उस दफ्तर का ताला भी तोड़ देंगे। Yeah!
नोएडा में किसानों के हल्ला बोल से नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में बैठे अधिकारियों के पसीने छूट गए। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव किया। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े दिखे। किसानों के घेराव की सूचना नोएडा प्राधिकरण को पहले से ही थी, इसलिए पुलिस ने पहले ही नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन किसानों की भारी तादाद को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। प्रदर्शनकारी किसान मुआवजे और आबादी के पूर्ण निस्तारण सहित तमाम मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे थे और मांग मनवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में किसान और महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के बाहर बैठ गए और अपने हक की मांग करने लगी। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने नोएडा प्राधिकरण को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने धमकी देते हुए कहा है कि अधिकारियों ने मांगे नहीं मानी तो नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर ताला लगा देंगे। मुंबई में बैठे हैं तो पैसों की कर ले भाई, मुंबई में तो पैसा लोगों के पास बहुत है, लेकिन केवल मुंबई में ही नहीं। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की बात करें, दीपिका पता है बुलेटिन शुरू होने से पहले यहाँ पर जो मरीन ड्राइव में लोग बैठे हैं वो ये पूछ रहे थे, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा श्वेता कि इतना पैसा घर के अंदर, और वो कह रहे हैं कि कितना अब कितना, तो मैंने बोला 351 करोड़ अभी तक तो कैश बरामद हुआ है और अभी भी काम जारी है, मतलब अभी भी जो है देखिए गिनती हो रही है, कहा नहीं जा सकता क्योंकि ज्वेलरी भी मिल रही है, कुछ दस्तावेज भी मिल रहे हैं, कैश भी मिल रहा है, तो लोगों में ये क्यूरियोसिटी है कि भाई घर से इतना पैसा कैसे मिल सकता है। बिल्कुल, और ये पैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल देखिए मशीन तक खराब हो गई पैसे गिनते गिनते, लेकिन अब पुलिस ने घर में तो तलाशी ले ली, घर में जितने पैसे थे वो तो देख लिए, लेकिन अब इनकम टैक्स की जो टीम है वो धीरज साहू के लॉकर्स को भी खंगालने वाली है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि वहां पर भी काफी कुछ मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग का एक्शन जारी है। नोटों के गिनने का जो सिलसिला आज से 7 दिन पहले शुरू हुआ वो अब तक जारी है। धीरज साहू के ठिकानों पर दफ्तर करीबियों के यहाँ आयकर विभाग का ऑपरेशन नॉनस्टॉप चल रहा है। अब तक 351 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं और इन रुपयों को सीज कर बैंक में जमा करवा दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। धीरज साहू के रांची वाले घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, ऑपरेशन ऑन है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्राप्त हुए हैं, शेल कंपनियों के तहत प्राप्त हुए हैं, या फिर इन पैसों का जो अर्जन एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या रहा है एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल का जवाब जानने के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। आज 6वां दिन है और अब तक जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ के पार पहुंच चुका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टोटल काउंटिंग होगी वो लगभग 400 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो ऐसे में कई सवाल है जिनका जवाब धीरज साहू को देना है और लगातार यही सवाल विपक्ष भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, अपने आप को साइडलाइन करते हुए नजर आ रही है इंडिया गठबंधन, लेकिन बीजेपी बहुत हमलावर है। अब तक की रेट की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि देखने वाले हैरान हैं। साहू के कैश लॉक का नजारा जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों का पहाड़ और अलमारियों में कैश का अंबार देखकर हर कोई हैरान रह गया। नोटों की गिनती करने वाले बैंक कर्मचारी और खुद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इतना कैश एक साथ नहीं देखा था। घर और बेसमेंट में बरामद कैश के बाद अब इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम धीरज साहू के बैंक लॉकर्स को खंगाल रही है। ओडिशा के बलांगीर में इनकम टैक्स के अधिकारी धीरज साहू की पत्नी को लेकर एक्सिस बैंक पहुंचे। एक्सिस बैंक में धीरज साहू और उनके परिवार वालों के 3 लॉकर थे। सूत्रों के मुताबिक इन लॉकर से 50 लाख के गहने जब्त किए गए। इसके बाद आयकर विभाग की टीम उत्कल ग्रामीण बैंक पहुंची, यहां भी लॉकर्स की तलाशी हुई। रांची टू दिल्ली और दिल्ली टू ओडिशा तक बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी के कार्यकर्ता करप्शन को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनत कश लोगों का पैसा जो चूस करके
इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है उसका जीता जागता प्रमाण। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और धन कुबेर धीरज साहू के कैश लॉक से कितने करोड़ की रकम बरामद हुई है, इसका एक्चुअल फिगर रांची से ही आएगा। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, इसके खत्म होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद श्वेता मध्य प्रदेश की भी अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। ये क्लियर हो चुका है मध्य प्रदेश में कि अब शिवराज नहीं बल्कि मोहन राज होगा, क्योंकि जब विधायक दल की बैठक हुई तो ये तय हो गया और ऐलान कर दिया गया कि अब मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं मोहन यादव। जी हाँ, मोहन यादव जो 13 तारीख को शपथ लेंगे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने दावेदारी भी सीएम के लिए पेश कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मोहन यादव का नाम जो अचानक से आगे आया है, क्या बीजेपी ने दाव चलाया सोशल इंजीनियरिंग का? क्योंकि बाबूलाल गौर के बाद बात की जाए तो यादव समाज से आने वाले ये दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। दीपिका समझ रही रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश के सीएम पद पर मोहन यादव को चुना है। मोहन यादव को एमपी के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की विरासत मिली है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ बीजेपी ने मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई। महाकाल का आशीर्वाद मिला है, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, बाबा महाकाल की कृपा तो हम सब पे है ही है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार भी डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास के सभी कामों को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास का काम आगे बढ़ाया था उसको और आगे ले जाएंगे। एक दिन पहले यानी 13 दिसंबर को मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके पहले एमपी के कई बड़े नेताओं का नाम सीएम की रेस में था, लेकिन मोहन यादव के नाम ने सबको चौंका दिया। मोहन यादव एक ऐसा चेहरा है जिसकी न मीडिया में चर्चा हुई, न जिसके पीछे बड़ा नेता होने का कोई टैग चस्पा था, लेकिन नरेंद्र मोदी युग की बीजेपी के फैसले अक्सर लीक से हटकर होते हैं। अब शपथ लेने से पहले मोहन यादव ने अपनी प्राथमिकता भी बता दी है। सब समय बताएंगे, जो काम हमारे पेंडिंग है उन सारे कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को नंबर वन बनाएंगे। सबसे ज्यादा नंबर वन बनाएंगे और मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और आगे की रूपरेखा बताई है कि किस तरह से आगे वो काम करेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले जब सभी नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ तब वो तीसरी लाइन में बैठे हुए थे, यानी मोहन यादव को दूर दूर तक सीएम पद की रेस में गिना तक नहीं जा रहा था। जब से सीएम के नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद से मोहन यादव के उज्जैन स्थित आवास के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव रात में कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को बधाई दी। मोहन यादव युवा और नया चेहरा है, इससे एक झटके में शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट किया जाने वाला फटीक फैक्टर दूर हुआ। मोहन यादव को चुनने में सिर्फ ओबीसी कार्ड ही नहीं चला गया, वो अपने साथ उस यादव समीकरण को ला रहे हैं जो एमपी के अलावा यूपी और बिहार में बहुत ताकतवर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति शुरू करने वाले मोहन यादव पर आरएसएस का भरोसा है, क्योंकि उन्होंने सक्रिय होकर संघ में काम किया। साथ ही मोहन यादव को पार्टी संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। मोहन यादव के नाम की घोषणा होते ही उसके परिवार में खुशियों की लहर फैल गई। एक सीढ़ी है कि कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि अब एमपी में शिवराज नहीं मोहन राज आने वाला है। और मरीन ड्राइव की ये साफ तस्वीर जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह सकते हैं सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो नाम सामने आ रहे थे उसको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने जो फैसला लिया है, मोहन यादव सीएम तो बना दिए गए लेकिन दो डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आ गया है। बिल्कुल, और दोनों ही डिप्टी सीएम के नाम को लेकर के भी बहुत ही चौंकाने वाला फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है। वो कहते हैं ना, बीजेपी कोई फैसला ले उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर ना दिखे, यहाँ पर भी वही कुछ देखने को मिला है। यहाँ पर भी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला को अपनाया गया है। क्या खास है इस फॉर्मूला में, कैसे 2024 को भी टारगेट किया गया है, देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दो डिप्टी सीएम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को एमपी में उप मुख्यमंत्री बनाया है। सीएम के नाम के ऐलान ने जिस तरह लोगों को चौंकाया, उसी तरह से राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा के डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान पर लोग चौंक उठे। लेकिन इन फैसलों के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है। जगदीश देवड़ा बीजेपी की सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं, कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है, एमपी के कद्दावर नेताओं में शुमार है, अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। कोई दायित्व तो मिलेगा तो जरूर निभाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया है, बधाई दी है। बिल्कुल, तो स्वीकार है और आशीर्वाद है सबका, निश्चित रूप से काम करेंगे, कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो जरूर। वही सामान्य वर्ग से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को भी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं और प्रदेश का विकास हो, क्षेत्र की जनता का कल्याण हो, इस दिशा में पहले भी 2003 से लगातार हमारी सरकार ने कोई कसर छोड़ा नहीं है, आगे भी हम सब जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। शुक्ला विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं। बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। लेकिन बीजेपी को इस फैसले से 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। राजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने विंध्य को साध लिया है। वहीं ब्राह्मण समाज पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। राजेंद्र शुक्ल के डिप्टी सीएम बनने के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। घर के बाहर कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ जुटी। तो छत्तीसगढ़ की पिक्चर तो साफ हो चुकी है। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की सियासत से बात करें तो उससे जुड़ा आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक होने वाली है और यही कहा जा रहा है कि आज राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, उस नाम का ऐलान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दरअसल चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु तो मध्य प्रदेश में मोहन, अब राजस्थान में कौन? क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही सरप्राइजिंग फैक्टर होगा? क्या बीजेपी आला कमान की तरफ से फैसला क्या लिया जाएगा? विधायक दल की बैठक पे आज क्या कुछ होगा, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। क्या राजस्थान में भी बीजेपी बड़ा खेला करने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो कुछ किया वो सबको चौंका रहा है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजस्थान में आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा और इसी के साथ तय हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। पंजीयन और भोजन होगा, नीचे करो नीचे थोड़ा, 1:30 से 3 बजे तक पंजीयन और भोजन है और उसके बाद विधायक दल की बैठक है और 4 बजे हमारी विधायक दल की बैठक। राजस्थान में सीएम रेस में सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा के नाम के भी खूब चर्चे हैं। हालांकि अंतिम समय में बीजेपी सबको चौंका सकती है। विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे और मुखिया तय हो जाएगा और चेहरा होगा कमल का फूल। सीएम पद के ऐलान से पहले जयपुर में हलचल तेज है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर में रहेंगे, जिसके बाद विधायकों की बैठक होगी और इस बैठक में राजस्थान के नए सीएम का ऐलान होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, कल आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था। उस फैसले के बाद पीएम मोदी की तरफ से एक लेख लिखा गया। दरअसल 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है। 5 अगस्त 2019 के फैसले को संवैधानिक करार दिया गया है। देश के एकीकरण को बढ़ाने के लिए ये फैसला बताया है। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 स्थायी प्रावधान नहीं था, जम्मू कश्मीर का विकास हमारी प्राथमिकता है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और विकास किस तरीके से वहां हुआ है, तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लेख में किया है। कश्मीर के लोग हिंसा से मुक्त जीवन चाहते हैं और 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं, ये बात केंद्र सरकार अपने हलफनामे में भी कह चुकी थी और
इसको लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा है उसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया है। कश्मीर के लोग देश के विकास में योगदान भी देना चाहते हैं और जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं दीपिका वो भी ये बता रही हैं कि देखिए लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहां कोई भी आयोजन किया जाता है। G20 भी हमने देखा था किस तरीके से वहां पर आयोजित किया गया था और लोग कितने उत्साहित है कि वो भी चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़े। बिल्कुल, और लोग काफी खुश भी हैं और इस फैसले से कि आर्टिकल 370 के बाद जो बदले कश्मीर की तस्वीर देखने को मिली है, नए कश्मीर को देखने को मिला, उससे लोग काफी ज्यादा